अल्मोड़ा में पेंशन से की जा रही कटौती को बंद किए जाने को लेकर मंगलवार को भी गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का धरना जारी रहा। जिले के अलग अलग ब्लॉकों से आए पेंशनर्स ने धरना कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर मांगों पर अतिशीघ्र गौर करने की मांग उठाई। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने कहा कि सरकार के तुगलकी फरमान के बाद हर महीने उनके खाते से 250 से लेकर 1000 रुपये की कटौती की जा रही है, जो कि ठीक नहीं है। सदस्यों ने कहा कि आंदोलन के बाद भी अगर सरकार कटौती को बंद नहीं करती है तो इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पेंशनर्स ने कहा कि अगर जल्द कटौती बंद नहीं की गई तो शांतिपूर्ण आंदोलन को उग्र आंदोलन में तब्दील कर दिया जाएगा। हम पिछले 25 अगस्त से तहसील मुख्यालय पर धरने में बैठे हुए हैं। हमारी कोई विशेष मांग नहीं है, हमारी मांग है कि जो सरकार हमारे पेंशन से, पेंशनर की पेंशन से अवैध वसूली कर रही है, उस वसूली को बंद किया जाए और जो इन्होंने 7-8 महीने का पैसा भी काटा है उसको मई ब्याज हमारे खातों में वापस लौटाया जाए। इस मांग को लेकर के हम पिछले 25 अगस्त से आंदोलन पर हैं, यहाँ धरने पर बैठे हैं। आज एक सौ साल के बुज़ुर्ग ने भी यहाँ पर अनशन धरना स्थल पर आकर जो है अपना समर्थन दिया है और धरने में बैठे हैं। ये आज हमारा ये आंदोलन भिक्यासैन से जो शुरू हुआ है, मुंशियारी में लोग अनशन में बैठे हैं, अल्मोड़े में बैठे हैं, अभी चमोली से हमको सूचना आई है और विधानसभा का इसमें प्रश्न हुआ है, तो हमारे समर्थन में तमाम सारे क्षेत्रों से जो है लोग धरने पर बैठ रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में यह आंदोलन फैल रहा है। हम जो है 1.5 लाख पेंशनर हैं जिनके खाते से कटौती हो रही है और अब असंगत कटौतियां हो रही हैं। ये करीब 3.5 लाख कर्मचारियों का 40 करोड़ रुपया हर महीने सरकार काट करके बीमा कंपनी को दे रही है और बीमा कंपनी ये ताजुब की बात यह है कि बीमा कंपनी आज जो गोल्डन कार्ड बनने की प्रक्रिया है वो सब बंद है, कहीं भी कोई गोल्डन कार्ड नहीं बन रहे हैं। कटौती बदस्तूर जारी है, आज के दिन तक पूरी कटौती जारी है। तो ये इन लोगों ने, जो हमारे रहनुमा हैं, इन्होंने हमारे पेंशन के साथ सौदा किया है। सरकार से हमारा ये अनुरोध, हम फिर भी प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन को तेज़ न होने दें, तुरंत जो हमारी कटौती बंद करें। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 300 के अंतर्गत ये जो पेंशनर की पेंशन है वो उसकी निजी संपत्ति है, उसको कोई भी वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और माननीय हाईकोर्ट ने भी इसमें ये टिप्पणी की है, इसलिए तुरंत ये बंद कर दिया जाए और बंद नहीं होगा तो ये आंदोलन फैलेगा, हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।